हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये देखिए, ये जो मेरा कार्डबोर्ड है तो मैं आज इससे ही DIY बना रही हूँ। तो इसको मैं पहले इसके साइड, ये स्क्वायर बॉक्स है तो इसके साइड के जो पल्ले ज़्यादा ख़राब थे इसके साइड से, उसको मैं कट कर रही हूँ। अब ये मेरे पास दो साइड मैंने कट कर लिए और दो साइड मेरे पास रह जाएंगी। मैं इन्हीं दो साइड से एक सुंदर सा DIY बनाऊँगी और इसको मैं अपना स्टोरेज बॉक्स के तरह यूज़ करूँगी। तो ये देखें, नीचे का साइड तो उसका मजबूत था लेकिन एक ये चारों साइड्स की जो हैं उनको मैं थोड़ा मजबूत बनाऊँगी। तो इसके लिए मैंने देखिए, ये मेरा पूरा इतने ही चौड़े कार्डबोर्ड नहीं था तो मैंने दो दो पीस लिए हैं और उसी के हिसाब से मैंने इस फेविकोल को लगा के और इस तरीके से इसको जोड़ दूँगी। इस तरीके से मैं चारों साइड में ऐसे ही कार्डबोर्ड पेस्ट करूँगी और इसको जिनके चारों साइड मजबूत कर दूँगी। इस तरीके से मैंने चारों साइड में लगा दिए हैं, अपने कार्डबोर्ड को पेस्ट कर दिया है। अब ये देखिए, इसकी कॉर्नर जो है वो कॉर्नर्स थोड़ी सी टाइट नहीं है, मजबूत नहीं है। तो इन कॉर्नर्स को मजबूत बनाने के लिए मैंने इसके ऊपर ये पेपर टेप जो है उसका यूज़ किया है और कुछ पेस्ट कर दिया है। और इस तरीके से मैंने सारे साइड में, जिस साइड से मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा भी ये फट रहा है या कुछ डैमेज हो रहा है, तो वहाँ पे मैंने पेपर टेप का यूज़ किया है। तो अब ये देखिए, इस साइड को जो मेरे आगे के दोनों साइड मैंने छोड़ी हुई थी, इनको मैं पेपर टेप से अच्छे से इसको चारों तरफ से सेव कर रही हूँ, मजबूत बना रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने सारी तरफ से देखिए, चारों तरफ से इस पर पेपर टेप लगा दी है। देखिए, ये मैंने बीच में एक सेल्फ बनाई है क्योंकि मैं इसका दो पार्ट करना चाहती थी और एक मैंने इस पर ये कार्डबोर्ड की ही मैंने ये स्ट्रिप कट की है और इनको मैंने पेपर टेप से इनको मजबूती देने के लिए इनको पेपर टेप से पेस्ट कर दिया है। और ये देखिए, थोड़ी सी मोटी भी हो गई है और मजबूत भी हो गई। इस तरीके की मैंने दो बनाई है, इस सेल्फ के नीचे आएगी जिससे कि सेल्फ इस पर अच्छे से होल्ड हो जाएगा। तब ये देखिए, मेरे पास पेपर है और जिससे मैं इसको अच्छे से चारों तरफ से रैप करूँगी। तो इसको मैं पहले अंदर की साइड से, अंदर के जो चारों साइड है बाहर की चारों साइड के बराबर ही है, चारों साइड को ही मेज़र करके मैं अंदर की साइड पे लगाने के लिए पेपर को कट कर रही हूँ। अब मैं इसके लिए इस पेपर को पूरा मैंने कट कर लिया है जितनी सी चौड़ाई में चाहिए थी। और ये देखिए, मैं अब इस पर फेविकोल को लगा के इसको अंदर की साइड से अच्छे से पेस्ट कर दूँगी। मैं इस रैपिंग पेपर से इसको अंदर बाहर सारे चारों तरफ से इसको रैप करूँगी जिससे कि ये सुंदर लगे। देखिए, मैंने अंदर के साइड चारों तरफ से उसको अच्छे से रैप कर दिया है और अब मैं बीच में से सेल्फ को भी मैंने अच्छे से रैप कर दिया इसी पेपर से, रैपिंग पेपर से। ये देखिए, अब इसको बीच में इसको सेट करूँगी। ये साइड थोड़ा टाइट है, ये वाली साइड में ये देखिए इस तरीके से अब थोड़ी सी लूज़ है। तो इसके लिए जो मैंने पेपर स्ट्रिप बनाई थी तो वो मैंने दो बना रखी है, उनको भी मैंने इसी रैपिंग पेपर से मैंने रैप कर दिया है और अब उसको मैं इस तरीके से दोनों साइड में ज्वाइंट कर दूँगी। ये मैं थोड़ा छोटी रखी है और इस तरीके से अब ये देखिए, मैंने उनको ज्वाइंट कर दिया है और सेल्फ मेरी इस तरीके से आ गई है। अब ये तो हुआ मेरा अंदर की साइड, अब बाहर की साइड भी मैं इनको इसी तरीके से रैप करूँगी। सबसे पहले मैं जो इसका ये मैंने डोर बना रखे हैं उनको मैं इस पर पेस्ट करूँगी, इस पेपर को। तो मैंने चार जो इसके डोर है आगे पीछे दोनों साइड से कवर करना है, तो मैंने इस तरीके के चार ये पेपर कट कर रखे हैं और उनको इसके डोर पर अच्छे से पेस्ट कर दूँगी। पे जब मैं रैपिंग पेपर लगा लूँगी तो उसके बाद मैं इसको पूरे चारों तरफ से इसको बाहर से भी यही पेपर इस पर पेस्ट कर दूँगी। अभी देखें, मैंने एक और रैपिंग पेपर लिया है इस कलर का और इसमें मैंने 2 इंच चौड़ी मैंने स्ट्रिप कट की है और उसको मैं अपने जो ये डोर मैंने बना रखे हैं उसको साइड में थोड़ा सा अलग से डिजाइन दूंगी।
तो इसके लिए मैंने जो एक्स्ट्रा बाहर पेपर निकाला था उसको कट कर लिया है, और जो मैंने स्ट्रिप कट कर रही थी उसको मैं बीच में से फोल्ड कर दूँगी, जिससे कि ये अंदर बाहर दोनों साइड से फिनिशिंग के साथ भी पेस्ट हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। और ये देखिए मैं इस तरीके से इसको पेस्ट करूँगी। देखिए अब देखिए पेस्ट करने के बाद इस तरीके से लग रहा है, बहुत सुंदर मेरा जो स्टोरेज बॉक्स बना है। और इसमें मैंने कुछ अपनी मेडिसिन रखी है और कुछ अलग एक्स्ट्रा सामान रखा है, लेकिन काफ़ी इसमें स्पेस है। और ये देखिए इसके आगे मैंने हैंडल भी बना रखे हैं, और हैंडल मैंने रील ख़त्म हो जाती है उसके बाद जो बच जाता है तो उसको मैंने यही जो मेरे साइड में रैपिंग पेपर था उससे मैंने रैप करके इस पर पेस्ट कर दिया है। और ये मेरा बहुत सुंदर मेरा ये स्टोरेज बना है, आप ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा ये। इसी तरीके से मैंने ये भी मेरे पास कार्डबोर्ड पड़े हुए हैं, और ये भी ये देखिए इस तरीके से इनके साइड काफ़ी ख़राब हो रखी है, तो इसका मैं सुंदर सा मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए बनाऊंगी, तो इन दोनों को मिक्स करके बनाऊंगी। ये देखिए ये भी काफ़ी जिसे लतलता बोलते हैं उसी तरीके का हो रखा है। तो ये देखिए जो ये छोटा वाला मेरा कार्डबोर्ड उसको मैं यहाँ पर सेल्फ बनाऊँगी बड़े वाले कार्डबोर्ड के अंदर, तो मैं कार्डबोर्ड के ये साइड में सारे कट कर दूँगी चारों तरफ से, क्योंकि इसके ये जो साइड है ये काफ़ी ख़राब हो रखी है। ये देखिए कट करने के बाद ये जो बीच वाला जो छोटा वाला कार्डबोर्ड था मैंने उसको बिल्कुल सेंटर में से मैंने कट किया है, उसके दो पार्ट बना दिए मैंने, क्योंकि मुझे दो सेल्फ बनानी है, मेरे पास कार्डबोर्ड इतना ही है तो मैं इसकी दो सेल्फ ही बनाऊंगी। आराम से अंदर के ऐसी इस तरीके से खुल सके। तो अब इसके लिए ये देखिए मैं इसको भी इसको चारों तरफ से बंद करना है, तो एक ये जो कार्डबोर्ड का छोटा पीस मैंने इसके बैक साइड से लगा दिया है। और ये देखिए बंद करने के बाद इस तरीके से सुंदर से स्क्वायर में मेरे पास बॉक्स आ गए हैं। अभी देखिए जो बड़ा वाला बॉक्स है उसके कॉर्नर्स निकालने के बाद इस तरीके से दिख रहा है। और अब ये देखिए मेरे ये थोड़ा से जो मेरा सेल्फ बना रहा हूँ थोड़ा सा ढीली है, जो ये सेल्फ है जो खोलते समय थोड़ी ढीली होती, मतलब इसे फिट नहीं आ रही थी, तो इसको साइड में मैंने दो कार्डबोर्ड के टुकड़ों को इस पर एडजस्ट किया है। अब इस तरीके से ये आराम से खुल जाएगी और टाइट भी नहीं है ज़्यादा। उसके ऊपर भी मैंने एक कार्डबोर्ड का टुकड़े को मैं इस तरीके से रखूँगी जिसके ऊपर दूसरी सेल्फ आएगी। अब इन सब पीसीस को मैं रैपिंग पेपर से रैप कर दूँगी, और जो दोनों सेल्फ के ऊपर मैंने एक कार्डबोर्ड का पीस को मैंने रैपिंग पेपर से रैप किया है, और सब मिला के मेरे को इस तरीके से मैंने देखिए अब इस तरीके से मैंने सारे पीसेस को रैप कर दिया है। अब इनको सिर्फ मेरे को सबको मेरे को एक साथ पेस्ट करने हैं, और सबको जो जो पीस मैंने कट किए थे साइड में उनको मैंने रैपिंग पेपर से रैप करके अच्छे से रैपिंग पेपर से पेस्ट करके, और ये देखिए इस तरीके से बनाई। अब मैंने सबसे ऊपर जो ये सेल्फ है उसके ऊपर मैंने एक एक्स्ट्रा ये एक सेल्फ बनाई कि इसमें मैं खुला कुछ सामान रख सकती हूँ। आप देखिए मुझे हैंडल बनाने हैंडल के इस तरीके से मैंने पेच ले लिए हैं, और ये मेरे पास लेदर का एक पीस है और इसको मैंने इस तरीके से फोल्ड किया है। अब इसमें मैं दो होल बनाऊँगी साइड में, और उसके अंदर जो मेरे पास स्क्रू वगैरह पड़े हुए हैं बैक साइड से स्क्रू वाले मैंने कील लिए हैं, और उसको मैंने इसके अंदर होल के अंदर अच्छे से फिट कर दिया है दोनों साइड में। इसको मैं अच्छे से इसके अपने जो लेदर का पीस है इस पर अच्छे से कस दूंगी, और इसके बाद में देखिए जो मेरी सेल्फ है मैं उसके बिल्कुल सेंटर में इसको लगाऊंगी। देखिए तो सुंदर लग रहा है। अब इसमें बिल्कुल सेंटर में मैंने मेज़र करने के बाद मैंने इसको बिल्कुल सेंटर में कस दिए हैं, और बैक साइड से जो स्क्रू मेरे पास पड़े हुए थे और उन पर लगा दिया है मैंने, जिससे कि ये सेल्फ खोलते हुए निकले ना आए। बिल्कुल लेदर को कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मोड़ के मैंने इस्तेमाल किया है। ये देखिए बैक साइड से मैंने स्क्रू लगा दिए हैं, अरे बहुत सुंदर मेरा हैंडल बन गया है। और बनने के बाद तो ये मेरा पीस था जो मेरा बॉक्स था ये बहुत ही सुंदर बना है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर मिलूंगी। बाय।